हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप मास्टर कैडर या ईटीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है भूल गए हैं, उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर तो हम बात करें ईटीटी की, तो उसमें रिकवरी प्रोसेस ईजिली है। आप अपनी जस्ट डिटेल्स एंटर करेंगे, योर नेम, योर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर, आपकी रिकवरी ईजिली हो जाएगी। और आपके फ़ोन नंबर और ई मेल आई डी पर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन जो मास्टर कैडर है, इसकी रिकवरी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके लिए आपको जो आपका राशन नंबर है वो कंपलसरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रिकवरी नहीं कर सकते। सो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप ये दो जो मैंने ईमेल आईडीज़ दी हैं, चलान एट द रेट पंजाब एजुकेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन और सेकेंड इक्विपमेंट टू एट द रेट पंजाब एजुकेशन डॉट जी ओ वी डॉट, इस पर मेल करेंगे। मेल में आप अपना चलान ऐड कर देंगे और सब्जेक्ट में आप नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर, राशन नंबर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप उसमें बॉडी में लिख दीजिए कि सर, आई हैव लॉस्ट माई डिटेल्स, लॉग इन डिटेल्स, सो प्लीज़ रिकवर माई और गिव और सेंड माई लॉग इन आई डी और पासवर्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो वो आपको नियर अबाउट मेरे अकॉर्डिंग 24 to 48 आवर्स में आपको मेल कर देंगे। अदरवाइज नहीं करते तो लास्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यही है कि आपको बोर्ड विजिट करना होगा। वहाँ पर जाकर जो भी उनकी फर्दर प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और जाते टाइम ज़रूर अपना जो चलान होगा फीस का वो लेकर जाइएगा। सो यही प्रोसेस है पूरी रिकवरी की, इसको करके देखिए। कोई भी अदर प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसका सलूशन ले सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स।